मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 5 अप्रैल 2020 के पंचांग की। आज के दिन वार रहेगा रविवार। तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए मित्रों जानते हैं क्या कुछ रहने वाला है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय और सही नक्षत्र का होना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम आपको आज के दिन का सही समय जो कि सही कार्य करने का है उसे बताएंगे। आज आपका दिन मंगलमय रहे यही हमारी शुभकामना है। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 है मित्रों। तिथि है द्वादशी, 7:24 तक शाम को और पक्ष है शुक्ल पक्ष। नक्षत्र रहेगा मघा, शाम 2:57 तक पूर्वा फाल्गुनी। माह है चैत्र और इसी के बाद सूर्य उदय की बात करें तो सूर्य उदय होगा 5:45 पे सुबह और सूर्यास्त होगा 6:16 पे। इसके बाद चंद्रोदय की बात करें तो 3:21 पे रात को चंद्रोदय होगा और चंद्रास्त होगा 4:34 पे। चंद्र राशि रहेगी सिंह में। अब इसके बाद बात करें तो शुभ मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त यहाँ पे है 11:36 से लेके 12:26 तक। अमृत काल है 12:46 से लेकर 2:14 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग है कोई नहीं और रवि योग भी कोई नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अशुभ मुहूर्त की, तो दुष्ट मुहूर्त है वो शाम 5:00 से लेकर 5:51 तक है और जो कालवेला अर्ध्याम है वो 11:58 से लेकर 12:49 तक है। कुलिक की बात करें तो 5:01 से लेकर 5:51 तक है। यम घट योग की बात करें तो 1:39 से लेकर 2:29 तक है। इसके बाद कंटक योग की बात करें तो 10:18 से लेकर 11:08 तक है। यमगंट की बात करें तो 12:23 से लेकर 1:58 तक है। इसके बाद राहु काल की बात करें तो 5:07 से लेकर 6:41 तक है। गुलिक काल की बात करें तो 3:32 से लेकर 5:07 तक है। तो मित्रों इस वीडियो में बस यहीं तक रखेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।